हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पलायन। पलायन मतलब कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रहता है तो वहाँ पर उसको बुनियादी सुविधा नहीं मिलता है, इसके कारण वहाँ से वो पलायन हो जाता है। इसका उदाहरण तो आपने देखा होगा, कोरोना काल में कितने मजदूर 15 दिन तक लगातार सड़कों पर पैदल चलते रहे। किसी की बेटियाँ हैंडीकैप्ड, उसके पिता थे तो उसको साइकिल पे लेके जा रहे थे, कोई प्रेग्नेंट लेडी, कोई छोटे बच्चे, मतलब इस तरह इतना पलायन हो रहा है। गांव 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 पूरा पलायन होके शहर में शिफ्ट हो जा रहे हैं। कारण यह है कि गांव में बुनियादी सुविधा उनको नहीं है, उनके लिए वहां पर प्राकृतिक रूप से ही निर्भर करना पड़ता है खेती पर। वहाँ पर नहर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है खेती का, जिससे कि वो अच्छा जीविका उपार्जन वहाँ गांव में रह के कर सकें, या कोई भी छोटे मोटे बिजनेस जैसे मुर्गी पालन या और भी कुछ करके अपना गुजारा वहाँ गांव में कर सकें, या गाय का पालन करके उसका दूध बेच के कुछ भी कर सकें। तो इस तरह का उनको सुविधा नहीं है। नहीं तो शहर में आके एक एक रूम में बच्चे परिवार कितने कष्ट से, और कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे कोरोना महामारी, तो आप देखिए किस तरह वो लोग कितना कुचलते भागते, कितना मुश्किलों से वो अपने गांव 10-10 दिन 8-8 दिन चल चल के वो अपने गांव पहुंचे। तो इस तरह पलायन की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार को या उस राज्य को अंतर्राज्यीय पलायन हो रहा है। जैसे कोई बिहार से, मुझे लगता है बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होकर लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े बड़े शहर आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। यहाँ पर कोई मकान बन रहा है उसमें लग जाते हैं, कोई दुकान में लग जाते हैं, कुछ न कुछ अपना रोजगार, कुछ न कुछ अपना पैसा कमाते हैं अपने लाइफ को सर्वाइव रखने के लिए, अपना परिवार को का जीविका उपार्जन के लिए वो कुछ न कुछ, सब आदमी पूरा फैमिली लग जाते हैं। मैं 2-3 दिन इधर वॉक करने गई थी तो देखी एक आदमी गांव से लगता आया होगा, वो 2 बच्चे के साथ अपनी वाइफ के साथ वो मेट्रो स्टेशन पे सोया हुआ है। उसका घर नहीं है रहने का, उसको अभी लगता है कहीं उसका अपना रोजगार नहीं मिला है, तो वो ऐसे फुटपाथ पे बेचारा सोया हुआ है। तो बबड़ा दुख होता है। छोटे बच्चे 8 साल के होंगे, 8-10 साल के 2 बच्चे हैं, और वाइफ है, अपने हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान है, डब्बा उब्बा है उनका, वहीं पर मेट्रो के फुटपाथ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह करके बड़ा दुख लगता है। अगर बुनियादी सुविधा उनको वहाँ मिले तो कोई आदमी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। उसी तरह आजकल नौकरी का, आजकल बेरोजगारी का भी संख्या बहुत बढ़ रहा है, नौकरी का भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, उन लोग को भी नौकरी का बहुत क्राइसिस है। ये लेबर जो है या गांव से जो आते हैं, उन लोग अब गांव में भी कुछ पढ़ा लिखा युवक है जिसको नौकरी नहीं हो पा रहा है। BA MA PhD तक है, वो भी किसी में 10,000-15,000 में काम कर रहा है, MBA भी कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और उतने में बड़े शहर में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ का रेंट देना, यहाँ पर खाना पीना खाना, यहाँ पर रहना, बिजली का, फिर आना जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर बच्चे को पढ़ाना है, कुछ सरकारी स्कूल तो खुले हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं, कुछ शिक्षा का सुविधा तो दिया है बड़े शहर में, इसीलिए छोटे गांव से भाग भाग के लोग बड़े शहर में कष्ट में भी रहते हैं, तो बट सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरे बच्चे कुछ करने लायक हो जाएंगे, तो थोड़ा बाद में इनका भविष्य सही हो जाएगा। तो इसके भविष्य के लिए वो गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं। गाँव में तो ये हाल है कि गाँव का सारा घर मतलब ध्वस्त होने के कगार पे आ गया, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। गांव में वही रह गया है जिसको कोई उपाय नहीं है शहर आने का। या तो उम्र दराज आदमी है, या तो बच्चे छोटे हैं, या तो वो बाहर आके कुछ नहीं कर सकते। यही अवस्था
पलायन की जो स्थिति है वो अंग्रेज द्वारा पहले फोर्सफुली ले जाके अफ्रीका में या अमेरिकन कोई कंट्री में या वहाँ पर दूसरे जगह, सब जगह, इंडोनेशिया हुआ, मॉरिशस हुआ, हर जगह ले जाके इंडियन को इसमें पानी वाला जहाज में ले जाके छोड़ के आते थे। वहाँ पर भी उनका जो था ब्रिटिशर का राज था तो वहाँ पर ले जाते थे एज ए लेबर, मजदूर के रूप में यहाँ से लेके जाते थे, तो वो तो जबरदस्ती ले जाते थे। बाद में क्या हुआ, सबकी यह आदत, हैबिट हो गई, आदत बन गई। जो अच्छे अच्छे नौकरी में है या अच्छे बिजनेस में है या छोटा भी बिजनेस है जो अपना परिवार का लालन पालन कर सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं वो भी बड़ा दयनीय अवस्था में पलायन होके शहरों में रह रहे हैं ताकि उसके बच्चे पढ़ लें, उनके बच्चे का भविष्य बन जाए। स्कूल वगैरह यहाँ पर प्राइवेट है, अच्छे स्कूल हैं प्राइवेट में, सरकारी में भी अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते हैं, सरकारी में अच्छे स्कूल हैं, फी नहीं लगता है, बुक्स वगैरह का सुविधा है, तो उनके बच्चे पढ़ लेते हैं। पढ़ लेने से अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य, थोड़ा तो अपने अपने फादर से थोड़ा अच्छे लेवल हो जाता है उनका रहना, अपने नौकरी प्रयास का, जॉब खोजने का प्रयास करते हैं, तो उस तरह थोड़ा सा अच्छे। तो बच्चों के भविष्य के लिए मुझे लगता है पलायन सब करते हैं, और बुनियादी सुविधा के अभाव बच्चों के भविष्य। तीसरा है कुछ वहाँ पर भय से कुछ करते हैं, किसी के कोई भय के कारण भी वहाँ से पलायन करते हैं, और स्थिति ये है आर्थिक कमी के कारण भी सब सोचते हैं यहाँ पर अगर कभी प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं वहाँ पर बारिश नहीं हुई, फसल उगा नहीं, तो खाने का मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से भी शहर आके फैक्ट्रियों में, कारखानों में, किसी जगह काम करके अपना कमाते हैं और अपना रोजमर्रा की जिंदगी अपना बिताते हैं। इसी तरह पलायन की स्थिति अब क्या मिडिल क्लास में भी हो गया है, उनके अपर क्लास में भी हो गया, अगर वो थोड़ा सा अगर अच्छा है तो वहाँ से फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर भी बाहर जाने की भी का भी रफ्तार बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है, फॉरेन का, विदेशों का क्रेज बच्चों में बढ़ गया है। अगर किसी ने ग्रेजुएट किया यहाँ दो बार, एक साल दो साल उन्होंने चक्कर खाए, नौकरी नहीं मिला, उससे बेहतर वो लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। आप देखिए विदेशों में जैसे गांव से शहर में आ गए हैं, शहर में आदमी आ गए हैं, उसी तरह इंडिया में यहाँ से विदेश जाने का भी रफ्तार बहुत है। पहले केरला से जाता था, पंजाब साइड से जाता था, अब पूरा इंडिया में हर जगह से पढ़ने नौकरी के तलाश में सब विदेश भी जाने लगे। तो विदेश में भी आप देखिए कहीं न कहीं जगह एरिया ऐसा होता है जो इंडिया, सिंगापुर में आप देखिए मिनी इंडिया है, और भी बहुत जगह आप देखिए इंडिया का, इंडिया के यहाँ से जाके कुछ तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ अपना नौकरी कर रहे हैं, वहाँ जाके तो मेहनत करना ही पड़ेगा परदेश में जाके, तो वो भी क्रेज बढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चों को बाहर जाने का क्रेज बढ़ रहा है कि यहाँ नहीं, एक दो साल तलाश करते हैं करियर में, यहाँ नहीं बन पाता तो सोचते हैं विदेश चलते हैं कुछ कमा के, किसी का तो मन होता है वापस आ जाएं, कोई कोई वहीं सेटल कर जाते हैं। मैंने तो एक दो फैमिली ऐसा देखा जिसके बच्चे विदेश में हैं और यहाँ पर उनकी मदर, फादर तो डेथ हो गया था, मदर का डेथ हो गया, एक वीक है पता नहीं चला कि उनकी माँ का डेथ हो गया है, दिल्ली में मैंने पेपर में पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे जान पहचान मिलने जुलने वाले में एक दो जने हैं जिनके बच्चे सेंट फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में हैं, उसके बच्चे भी आप देखिए वहाँ पर रह रहे हैं, और ये यहाँ पर 90 ईयर ओल्ड उसके फादर अकेले रह रहे हैं, मदर नहीं है, उसके सिस्टर कनाडा में रह रही है और उनका लड़का जो है अमेरिका में कैलिफोर्निया में, लड़की कनाडा में, दोनों बाहर बच्चे रह रहे हैं, फादर बेचारे अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, वाइफ भी नहीं है, मदर भी नहीं है। ये अकेलापन जो है
बच्चे देखते नहीं है पेरेंट्स को, अपने करियर के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स का माँ बाप का अकेला उसका परवाह नहीं करते, और बच्चे और पेरेंट्स भी वहाँ माँ बाप भी जाना नहीं चाहते हैं। अगर अकेले बच गए माँ या उसके पापा, तो वहाँ जाके भी उनको वहाँ का सोसाइटी में, जो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ पर उसको एडजस्ट करता है। चार आदमी इंडिया में, दो आदमी बात करने वाले मिल गए, एक बड़ा एक जैसा मिल गए, पार्क में ही बैठ गए तो मिल गए एक जैसा, एक हम उम्र मिल गया। वहाँ तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो हेलो हाय, तो जिसको मिलना बात करना पसंद है वहाँ पर, वो विदेश में जाके किसी के माँ बाप को पसंद नहीं है कि बच्चों के पास जाके रहें। इसी तरह यहाँ हमारे एक नेबर हैं, उनके दो बच्चे हैं, दोनों वहीं पर रह रहे हैं, एक मिशिगन में रह रहे हैं, एक और कहीं रह रहे हैं अमेरिका में। दोनों बच्चे करीब 20-25 साल से रह रहे हैं, और फादर का एज 70 है, मदर का एज 69 है। मदर फादर अकेले बिल्कुल 17 रूम है उनके घर में, इनके फादर मदर उसमें अकेले रहते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा घर का मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, और एक अच्छी पोस्ट से उसके उसके पिता रिटायर किए हैं, लेकिन दोनों बच्चे को माँ बाप का चिंता नहीं, जबकि बच्चे का बच्चे भी 10th 12th में आ गया। इसीलिए ये पलायन है ना, दुखदाई है समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए, चाहे गांव से शहर हो या शहर से विदेश हो। इसलिए पलायन को रोकना चाहिए, और जिस जगह में है उसी जगह रोजगार की तलाश करना चाहिए, और अगर रोजगार की तलाश में बाहर भी गए हैं तो वापस अपना घर लौट के आ जाइए। जैसे एक था पंकज उदास का, चिट्ठी आई है, तो उसमें भी इसी बेस पे ये पिक्चर बनी थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो इसीलिए हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि आप कमाओ, बेशक आप यंग हो, आप में आप महत्वाकांक्षी हो, बट वापस घर आ जाओ अपने माँ बाप के पास, जैसे आपको बचपन में ज़रूरत था उनका, उनको भी आपका ज़रूरत है। और जो शहर में जो गांव के किसान आ जाते हैं या मजदूर आ जाते हैं, उनको गांव में ही रोजगार मुहैया किया जाए, गांव में ही छोटे मोटे बिजनेस, छोटे मोटे बैंक लोन दे दिया जाए, जिससे कि गांव में ही रह के वो बहुत खुशहाल जिंदगी रह सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ कष्ट में नहीं रह सकते। बस आज इतना ही, और अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।